हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडी हब। सो अब तक हमने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट किए थे, जहां पर हमने एंडोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में स्टडी किया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 1। ठीक है, अब ये जो हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 3 है, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 1, जो आज आप हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्लियर करने वाले हैं, और दूसरा एक चैप्टर है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 2। ठीक है, जहां पर हम चैप्टर नंबर 4 में वो चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में पता कर लेते हैं, उसके बारे में स्टडीज कर लेते हैं कि एक्सोजेनेटिक मूवमेंट होता क्या है। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एंडोजेनेटिक था। अब आप लोगों ने मूवमेंट्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर ली है अब तक, कि आप लोगों को पता है कि मूवमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, जो जेनेटिक वेव्स होते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ाई कर लिया था। ठीक है, अब एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, देखो यहां पर वर्ड जो है एक्सोजेनेटिक, ठीक है, एक्सो यानी कि क्या, एक्सटर्नल, एंड जेनेटिक मूवमेंट्स यानी कि क्या, ऐसे मूवमेंट, ठीक है, जो जेनेटिक यानी कि एनर्जी के फॉर्म में पैदा हो रही है। ठीक है, सो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट में हम पढ़ने वाले हैं कि अबाउट ऑल द एक्सटर्नल प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑन अर्थ सर्फेस। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, तो उसका मतलब क्या होगा, एंड मूवमेंट विच अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन करके, पॉइंट बाय पॉइंट करके हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट हमारा देखो क्या बोलता है, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट आर दोज मूवमेंट विच टेक प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये ऐसे मूवमेंट है जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर होता है। अब आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में आपने पढ़ा है कि अर्थ क्रस्ट एक ऐसा लेयर है जो सबसे पहला है, और इट्स लेयर जहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए सर्वाइवल के लिए मोस्ट सुटेबल है। ठीक है, सो एक्सोजेनेटिक, सिंस ये एक्सटर्नल मूवमेंट है, तो ये जो मूवमेंट होते हैं ये कहां टेक प्लेस होंगे, अर्थ सर्फेस पे। देन एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ स्लो अर्थ मूवमेंट। ठीक है, ये कैसे मूवमेंट है, ये एक स्लो अर्थ मूवमेंट है, यानी कि रैपिडली ये टेक प्लेस नहीं होता। अब एक्सोजेनेटिक मूवमेंट में जो पढ़ने वाली चीजें है वो क्या है, देखो एग्जाम्पल्स में बताया है, वेदरिंग ऑफ रॉक, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इरोजन लैंडफॉर्म सच एज पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, वॉटरफॉल, डिपोजिशन लैंडफॉर्म सच एज सैंड डून्स एंड बार्चेस। ठीक है, अब जब हम एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, सो आज इस चैप्टर में जो हम ज्यादा फोकस करेंगे और जो पढ़ेंगे वो है अबाउट द वेदरिंग, जहां पर हम वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रॉक टूटते हैं, कैसे रॉक सॉइल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वेदरिंग के कितने टाइप्स होते हैं और वेदरिंग किस किस वजह से होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से वेदरिंग होती है। ठीक है, सो ये हम पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में। और हालांकि जो हमारा एक्सोजेनेटिक मूवमेंट यानी कि प्रोसेस पार्ट 2 है, हमारा चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, और उन इरोजन एंड डिपोजिशन से कौन से लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो काफी इंटरेस्टिंग है, मेरा भी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा सबसे फेवरेट जो चैप्टर है वो आपका एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 1 एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 2 है। ठीक है, जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर काउंट होता है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोगों को कोई भी पूछेगा अबाउट द एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, सो आप लोगों को वो चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में या आंसर इन वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है, व्हाट इज एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। ओके, सो जैसे हमने एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, और मैंने अभी अभी आपको कहा कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, हम देखेंगे कि वेदरिंग क्या होता है, व्हाट आर वेदरिंग, ठीक है, एंड व्हाट आर देयर टाइप्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स बेस्ड ऑन वेदरिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा वेदरिंग से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, वेदरिंग क्या होता है। नाउ वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू टू पार्ट इज नोन एज वेदरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू टू पार्ट इज नोन एज
वेदरिंग। अब दिस इंटीग्रेशन मतलब क्या, जो रॉक है वो रॉक का मल्टीपल मतलब होते हैं ना कि बहुत ज्यादा छोटे 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 सेगमेंट्स में और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलोगे, वेदरिंग। ठीक है, कोई भी रॉक है और वो रॉक अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, सो उस पर्टिकुलर रॉक का टूटना और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलेंगे वेदरिंग। ठीक है, सो वेदरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, यानी कि रॉक का टू पार्ट्स में टूट जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, ठीक है, इनटू टू पार्ट इज नोन एज वेदरिंग। कोई भी एक पर्टिकुलर रॉक है, वो रॉक अगर अपने आप को टू पार्ट्स में तोड़ देता है, सच प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, इन अदर वर्ड्स वेदरिंग मीन्स वीकनेस ऑफ रॉक, वेदरिंग मीन्स वीकनेस ऑफ रॉक, यानी कि रॉक का कमजोर होना। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर रॉक वो कमजोर हो जा रहा है, ठीक है, उसमें वीकन, वो वीकन हो रहा है। अभी रॉक टूटेगा क्यों, बिकॉज रॉक कमजोर हो गया, रॉक कमजोर होने के वजह से रॉक टूट गया, इसलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, वीकनिंग ऑफ रॉक। सो अगर मैं वेदरिंग को, अगर मैं अगर वेदरिंग में बोलता हूं सिंपल वर्ड में कि व्हाट इज वेदरिंग, सो वेदरिंग इज नथिंग बट इट्स वीकनेस ऑफ रॉक, वीकनिंग ऑफ रॉक, समझ रहा है। ओके, द वेदरिंग लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन विच हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक इज अ नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, ये जो हम वर्ड बोला है, ये क्या बोल रहा है कि वेदरिंग जो है, ठीक है, वेदरिंग की वजह से, रॉक के टूटने की वजह से हमें क्या मिलेगा, सॉइल मिलेगा। ठीक है, जो सॉइल है वो सॉइल क्या है, सॉइल इज नथिंग बट इट्स अ डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक, इट्स अ डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक, यानी कि बहुत बड़े रॉक का, बहुत बड़े रॉक के चट्टान का छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वो सॉइल है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल फिनोमिनन है। नाउ व्हाट इज नेचुरल फिनोमिनन, ऐसी चीजें जो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, ये वेदरिंग या जो रॉक है वो सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है, इसके ऊपर ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना ये मेरे बस में है ना ये आपके बस में है। ठीक है, सो ये था अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, अब वेदरिंग को भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, सम आर मैकेनिकल वेदरिंग, सम आर बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड सम आर केमिकल वेदरिंग। ठीक है, सो वेदरिंग इज क्लासिफाइड इंटू थ्री पार्ट, वेदरिंग इज क्लासिफाइड इंटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल वेदरिंग, एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग और एक होता है केमिकल वेदरिंग। वापस से मेरे साथ रिपीट कीजिए, आप घर पे बैठे हो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइज करो। सो मैकेनिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, अगेन रिपीट, मैकेनिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैकेनिकल वेदरिंग, एक एक करके हम पढ़ेंगे व्हाट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग और एक एक करके हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल वेदरिंग। ठीक है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे कि ये होते क्यों है। ठीक है, किस लिए मैकेनिकल वेदरिंग होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्यों होता है, केमिकल वेदरिंग क्यों होता है, उनके हम फैक्टर्स भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये जो तीन टाइप के हमने जो अभी अभी वेदरिंग के देखे, जो थ्री टाइप्स हमने देखे, ठीक है, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, इससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो होते हैं वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो आज हम अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी एक्सफोलिएशन। सबसे पहले ध्यान दो, व्हाट इज एक्सफोलिएशन। बिफोर स्टार्टिंग विद मैकेनिकल वेदरिंग और बिफोर स्टार्टिंग विद बायोलॉजिकल और केमिकल, वी हैव टू लर्न सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, सो हमें पता होना चाहिए कि एक्सफोलिएशन क्या होता है। सो देखते हैं कि व्हाट इज एक्सफोलिएशन, मैं एक एक करके पॉइंट रीड आउट करता हूं, देन आपको मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। हैज वी कैन नो दैट ईच एंड एवरी आउटर लेयर, each and every outer layer of the onion can be removed. Similarly, in nature, the rock undergoes the same process. ठीक है, अब आप लोगों ने अनियन देखा होगा, बहुत काफी समय पे आप लोगों ने देखा है कि जो खाना है और वो खाने में अनियन हो, ठीक है, जो अनियन का वो जो कैरमलाइज की जो उसकी कैरेक्टर हो, ठीक है, वो खाने को कैसे स्वाद दे देती है। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि मम्मी अनियन कट करती है, मम्मी हर खाने में अनियन डालती है, सो वो अनियन क्यों डालती है, बिकॉज खाने को और
अच्छा बनाने के लिए. सो आपने नोटिस किया होगा कि अनियन जब मम्मी कट करती है, सो यू हैव नोटिस, यू हैव ऑब्जर्व दैट ईच एंड एवरी अनियन हैज देयर ओन लेयर्स. बराबर, अनियन को अगर आप देखोगे तो अनियन में आपको क्या दिखने दिखेगा, आपको लेयर्स दिखने मिलेंगे. अगर आप अनियन को पील करते हो, ठीक है, पील करना यानी छीलना, ठीक है, अगर आप अनियन को पील करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, लेयर मिलेगा. वापस से आप एक और अनियन के उस लेयर को छीलोगे यानी पील करोगे, आपको अंदर क्या मिलेगा, वापस एक लेयर मिलेगा. ठीक है, सो जितना आप अनियन को पील करते जाओगे अनियन छोटा होता जाएगा और अनियन के लेयर्स आपको मिलते जाएंगे. ठीक है, सो अनियन की तरह हमारा ज्योग्राफी ने ये एग्जांपल देकर समझाया है कि व्हाट इज एक्सफोलिएशन. नाउ रॉक जो होता है वो रॉक में भी सेम लेयर्स होते हैं. रॉक में क्या होता है, लेयर्स होता है. रॉक के भी आउटर लेयर होते हैं, देन इनर लेयर होता है, उस इनर लेयर के अंदर वापस इनर लेयर होता है, उस इनर लेयर के अंदर भी वापस इनर लेयर होता है. सो जैसे हमारे अनियन में लेयर्स होते हैं, हमारे रॉक में भी क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं. ठीक है, सो ये एक एग्जांपल लिया है हमारा क्या, एक्सफोलिएशन के लिए अनियन का. आप लोगों ने ट्री देखा होगा, ट्री देखा है सभी ने, ठीक है, ट्री के स्टेम देखे हैं. अब अगर मैं ट्री के स्टेम को काट दूं, ठीक है, तो क्या होगा, जब अगर मैं ट्री के स्टेम को काट दूंगा आप देखोगे कि ट्री के स्टेम में भी लेयर्स आपको देखने मिलेंगे. वो कहा जाता है कि ट्री जितना पुराना होता है उतने ज्यादा लेयर्स उसके होते हैं. ठीक है, तो वो ट्री के लेयर्स भी होते हैं, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, एक एक्सफोलिएशन का आपको मैंने एक अनदर एग्जांपल दिया. सो हमें अनियन और ट्री से ये एग्जांपल लेना है कि जैसे अनियन और ट्री को लेयर्स होते हैं, सिमिलरली अनियन को भी वैसे क्या, अरे सॉरी, रॉक को भी वैसे ही क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं. द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द रॉक हीट्स मोर व्हाइल द इनर पार्ट्स कंपैरेटिवली कूलर. अब होता क्या है कि जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, ठीक है, अब रॉक जो होता है वो रॉक में सनलाइट पड़ने के वजह से जो एक्सपोज पार्ट होता है, एक्सपोज पार्ट यानी कि ऐसा रॉक का लेयर जो सन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ऐसा लेयर जो सन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है. सो जो लेयर सन के कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हीट मिलने के वजह से काफी ज्यादा उसको टेम्परेचर जो होगा उसका ज्यादा हो जाएगा. और जो रॉक के लेयर में सनलाइट नहीं पहुंच रहा, यानी कि द इनर लेयर ऑफ द रॉक, ठीक है, जहां पर सन का रेज नहीं पहुंच रहा, उसका टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा कंपेयर टू आउटर लेयर. समझ रहा है क्या बोलने की कोशिश हो रहा है. तो यहां पर क्या बोल रहा है, द एक्सपोज पार्ट ऑफ द रॉक, यानी कि जो रॉक सन रेज के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उसका जो हीट होगा वो कैसा होगा, काफी ज्यादा होगा. और जो इनर पार्ट होगा, इनर लेयर होगा, उसमें सन रेज नहीं पहुंचने की वजह से उसमें उसको हीट नहीं मिल रहा. ठीक है, हैज ए रिजल्ट द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स फॉल अपार्ट फ्रॉम द मेन रॉक. अब होता क्या है, जैसे आपने एंडोजेनेटिक मूवमेंट में देखा कि टेम्परेचर की वजह से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है. सिमिलरली यहां पर जब आप एक्सोजेनेटिक मूवमेंट की बात करते हो, सो यहां पर भी टेम्परेचर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब होता क्या है यहां पर कि टेम्परेचर बाहर की लेयर में ज्यादा होने की वजह से और टेम्परेचर अंदर के लेयर में कम होने की वजह से क्या होगा, यहां पर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा. क्या होगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. याद रखो, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर इन द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर ऑफ द रॉक, यहां पर क्या होगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा. ड्यू टू सच एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, मिनरल्स में, मिनरल्स ये एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और ये एक एक लेयर को तोड़ देंगे. क्या करेंगे, एक एक लेयर को तोड़ देंगे. यानी कि क्या हो रहा है, रॉक टूट रहा है, रॉक टूट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है. यानी एक एक करके रॉक का लेयर क्या हो रहा है, टूट रहा है. क्यों टूट रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द मिनरल्स. व्हाई, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन. इन शॉर्ट अगर मैं बोलता हूं एक्सफोलिएशन क्या होता है, सो एक्सफोलिएशन इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. ठीक है, जहां पर ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, आउटर लेयर और इनर लेयर में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन होता है. ड्यू टू सच कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, ठीक है, द लेयर स्टार्ट्स वीकनिंग, ठीक है, एंड दे डिसइंटीग्रेट. ठीक है, द लेयर स्टार्ट डिसइंटीग्रेट वन बाय वन. समझा.
होप आप लोगों को वेदरिंग का ये जो एक्सफोलिएशन प्रोसेस है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक मेन कंसेप्ट था। दिस कैन बी टीचर माइट बी आस्क यू फॉर वन मार्क, व्हाट इज एक्सफोलिएशन। ठीक है, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अब हमारे केमिकल और मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग की टूवर्ड्स। ओके, सो अब कंटिन्यू करते हैं हमारा मैकेनिकल वेदरिंग से। अब फर्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन था, जैसे हमने पढ़ा वेदरिंग का क्लासिफिकेशन हुआ मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। सो अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, अब मैकेनिकल वेदरिंग के कुछ सर्टन फैक्टर्स होते हैं। देखो मैकेनिकल मतलब क्या, यानी कि ना ही जो रॉक जो है, जो रॉक टूट रहा है, जो रॉक डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ना ही वो किसी केमिकल की वजह से हुआ है, ना ही किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ है, ना ही ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो सच प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, जहां पर वेदरिंग केमिकल की वजह से नहीं हो रहा है, रॉक केमिकल की वजह से वीकन नहीं हो रहा है, ना ही रॉक बोलते हैं ना कि केमिकल की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो रहा, और बायोलॉजिकल यानी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी नहीं हो रहा। तो अब देखते हैं कि मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है। सो मैकेनिकल वेदरिंग, देर आर सर्टन फैक्टर्स। ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होते हैं। अब देखो ये ईच एंड एवरी जो फैक्टर है जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये फैक्टर्स को हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे और इससे हमको पता चल जाएगा कि मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है। सो देर आर फाइव फैक्टर्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। याद रखो अब कौन सा है, टेम्परेचर, फ्रोस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, वाटर, रिलीज इन प्रेशर। याद रखो वापस, आई रिपीट, टेम्परेचर, फ्रोस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, वाटर, रिलीज इन प्रेशर। प्लीज रिपीट कीजिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। ठीक है, टेम्परेचर, फ्रोस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, वाटर एंड रिलीज इन प्रेशर। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, फ्रोस्ट क्या होता है, क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, वाटर क्या होता है, और रिलीज इन प्रेशर की वजह से कैसे मैकेनिकल वेदरिंग होते हैं। सो हमारा फर्स्ट वाला आ जाते हैं हम, अवर वेरी फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग इज टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर की वजह से कैसा होता है, अभी अभी हमने एक्सफोलिएशन पढ़ा। ठीक है, सो एक्सफोलिएशन में जो प्रोसेस होता है और जो टेम्परेचर एक फैक्टर है, ये दोनों एक सिमिलर है। यानी कि जो एक्सफोलिएशन में होता है, एक्सफोलिएशन में मैंने आपको बताया कि मिनरल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन होते हैं, किसके वजह से, हीट के वजह से। हीट क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्यों है, एनर्जी जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। सो यही हमारा अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टेम्परेचर ही है। देखते हैं कैसे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द मिनरल्स इन द रॉक, ठीक है, एक्सपांड्स ड्यू टू हीट व्हाइल इट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू कूलिंग टेम्परेचर। जितने भी मिनरल्स है रॉक के अंदर, ठीक है, रॉक के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जैसे मैंने एंडोजेनेटिक जब मूवमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया, सो मैंने आपको कहा कि रॉक के अंदर देर आर सर्टन बेसिक मिनरल्स। व्हाट आर दे, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिका होता है, ठीक है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है। सो दिस ऑल आर द बेसिक मिनरल्स विच आर फाउंड इन रॉक। लिख लीजिए इसको याद से कि रॉक के अंदर बेसिक मिनरल्स होते हैं, कौन से होते हैं वो, एल्यूमिनियम होता है Al, सिलिका होता है Si, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, ठीक है। सो ये सारे बेसिक मिनरल्स होते हैं जिनके वजह से मिनरल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वही हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बोला है, द मिनरल्स इन द रॉक एक्सपांड ड्यू टू हीट व्हाइल इट कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कूल इन टेम्परेचर। क्या आपने ह्यूमन हार्ट कभी देखा है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सपांशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, एक्सपांशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी लब धब, ठीक है। सिमिलरली जो मिनरल्स जो होते हैं वो भी जब हाई टेम्परेचर होता है तो कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या करता है, हाई टेम्परेचर होने पे एक्सपांड करेगा और लो टेम्परेचर होने पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो ड्यू टू सच कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन द टेंशन डेवलप इन द रॉक पार्टिकल्स। जब हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट पढ़ रहे थे तो हमने पी एंड टी के बारे में स्टडी की। किसके बारे में स्टडी किया, पी एंड टी, प्रेशर एंड टेंशन, ठीक है। जब हमने पी एंड टी पढ़ा तो सिमिलरली यहां पर क्या होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा।
एज ए रिजल्ट क्रैक डेवलप्स ऑन द रॉक एंड रॉक ब्रेक, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो प्रेशर बनेगा, ये जब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन होगा और जब प्रेशर बनेगा, सो प्रेशर की वजह से और टेंशन की वजह से रॉक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको प्रेशराइज करूंगा काफी ज्यादा, मैं आपको किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज करता तो आप क्या हो जाओगे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है, टूट जाओगे आप। अगर मैं आपको पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करूंगा तो बोलोगे बस सर और नहीं, ठीक है। सो सिमिलरली अगर रॉक के ऊपर भी टेंशन क्रिएट होगा, रॉक के ऊपर भी अगर प्रेशर क्रिएट होगा, सो क्या होगा, वहां पर रॉक टूट जाएगा, ठीक है। और रॉक का टूटना मतलब क्या, वेदरिंग। रॉक का टूटना मतलब वेदरिंग, जो हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा। सो रॉक ब्रेक्स ड्यू टू टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग। तो अगर कोई भी रॉक ड्यू टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू टेम्परेचर अगर कोई भी रॉक टूट जाता है, तो वैसे रॉक को हम क्या बोलेंगे, वैसे वेदरिंग को, वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ मैकेनिकल वेदरिंग। समझ रहा है सभी को, ठीक है। होप आप लोगों को मैकेनिकल वेदरिंग के वेरी फर्स्ट फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, सो पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स जो कि मैकेनिकल वेदरिंग में काउंट होता है, वो है फ्रोस्ट, ठीक है, फ्रोस्टिंग। आप लोगों ने काफी बार ये वर्ड सुना होगा फ्रोस्टिंग, आप लोग फेमिलराइज हुए होंगे, बहुत बार आपने सुना है कि फ्रोस्टिंग हो रहा है, फ्रोस्ट हो रहा है। फ्रोस्ट होना, इसका हिंदी में मतलब होता है जम जाना, किसी भी चीज का जम जाना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी ग्रीन पीस लाती है, तो ग्रीन पीस कैसे जम, अगर वो फ्रीजर में रखा होता है तो कैसे वो फ्रोस्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है। अगर मुझे चिकन मुझे अगर यूज करना है और वो अगर मुझे 3-4 days तक अगर मुझे चलाना है, सो उसका लाइफ स्पैन में अगर ज्यादा करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं फ्रीजर में रख दूंगा। फ्रीजर में रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा कूलिंग टेम्परेचर होने की वजह से वो फ्रीज हो जाएगा, वो जम जाएगा, ठीक है। सो वो फ्रोस्ट हो जाएगा। सो चिकन क्या होगा कि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी और वो 3 दिन के बाद भी यूज करने लायक होगा, ठीक है। सो वैसे ही अभी देखते हैं कि फ्रोस्टिंग की वजह से रॉक कैसे टूटता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि फ्रोस्टिंग की वजह से रॉक कैसे टूटता है, दिन में वन बाय वन करके आपको जो स्लाइड्स पे जितने पॉइंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, फ्रोस्टिंग के वजह से रॉक कैसे वेदर होता है। जब रॉक में एक्सपोलिएशन हुआ, एक्सपोलिएशन होने की वजह से रॉक वीकन हो गया, वीकन होने की वजह से रॉक में क्या डेवलप हो गए, क्रैक्स डेवलप हो गए, फ्रैक्चर्स डेवलप हो गए। फ्रैक्चर्स डेवलप होने की वजह से और क्रैक्स डेवलप होने की वजह से ड्यू टू एक्सपोलिएशन प्रोसेस क्या हुआ, रॉक में क्रैक्स डेवलप हो गए, रॉक में फ्रैक्चर्स डेवलप हो गए। अब रेनी सीजन आने के वजह से ये जितने भी एक्सपोलिएटेड रॉक है, इन एक्सपोलिएटेड रॉक में क्या होने लगा, पानी जमा होना स्टार्ट हो गया। क्या होने लग गया, पानी जमा होना स्टार्ट हो गया, वाटर यहां पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। अब जब वाटर एक्यूमुलेट हो गया यहां पर, इस पर्टिकुलर जगह पर अगर वाटर एक्यूमुलेट हो गया, सो क्या होगा कि जैसे ही एक बार बारिश चले जाएगी, ठीक है, वाटर जैसे एक बार प्रेसिपिटेशन जो होगा वो प्रेसिपिटेशन खत्म हो जाएगा, बारिश खत्म हो जाएगी, क्या होगा कि वो जो वाटर है जमा हुआ वो उधर का उधर ही रह जाएगा। अब होगा क्या कि जैसे ही एक वो जो पर्टिकुलर बारिश है, वो जो पर्टिकुलर जो एक्सपोज्ड रॉक है जिसमें वाटर एक्यूमुलेटेड है, उनको ठंडा इन्वायरमेंट जैसे मिलेगा, जैसे ही टेम्परेचर कूल डाउन होगा, पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। पानी क्या होगा, जम जाएगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर वाटर को मैं अगर कूल टेम्परेचर देता हूं या -degree Celsius में का टेम्परेचर अगर मैं देता हूं, तो क्या होगा, वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सो जैसे अगर मैं पानी की बात करता हूं, वाटर की अगर मैं बात करता हूं, सो वाटर क्या है, वाटर चंचल है। क्या है, वाटर चंचल है। वाटर को जिस जो भी पर्टिकुलर डिजायर्ड शेप में डालूंगा, ठीक है, वो क्या करेगी, वो पर्टिकुलर शेप को वो होल्ड कर लेगी, ठीक है। वाटर को, वाटर सिंस इट इज इन लिक्विड इन स्टेट, ठीक है, वाटर जो लिक्विड स्टेट में है,
तो वो कोई भी पर्टिकुलर जगह पर कोई भी पर्टिकुलर शेप को इजीली होल्ड कर लेगी, ठीक है। बिकॉज हमारा साइंस क्या बोलता है कि लिक्विड को डिफिनाइट शेप नहीं होता, लिक्विड को डिफिनाइट शेप नहीं होता। सी जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड को क्या होता है, डिफिनाइट शेप होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिफिनाइट शेप होता है कि वो पर्टिकुलर वही शेप में रहेगा, वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। बट लिक्विड कैसी होती है, लिक्विड को डेफिनाइट शेप नहीं होता। सो आप जिस पर्टिकुलर शेप में डालो उस पर्टिकुलर शेप में वो चली जाएगी। सो यहां पर क्या होता है कि वाटर की डेफिनाइट डेफिनाइट जो शेप है वो नहीं होने की वजह से उसको जो वॉल्यूम लगता है, वॉल्यूम यानी कि क्या, स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वो जो लिक्विड है वो लिक्विड को वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम लगता है, और जैसे ही वो फ्रीज हो जाएगा, जैसे ही पानी एक बार कम टेम्परेचर में आने की वजह से जम जाएगा, उसका क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड में हमने अभी भी पढ़ा उसको डेफिनाइट शेप होता है। डिफिनाइट शेप होने की वजह से सॉलिड को ज्यादा वॉल्यूम लगेगा, ज्यादा स्पेस लगेगा कंपेयर टू लिक्विड। इसलिए हमारे स्लाइड्स में भी वेरी फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हैज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ वॉटर इज लेस देन द वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय द आइस। आइस सॉलिड इन स्टेट में है इसलिए उसे काफी ज्यादा वॉल्यूम लगेगा, और जो हमारा वाटर है वो लिक्विड इन स्टेट में है सो उसको इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं लगेगा। सो ये जो स्पेस यानी कि वॉल्यूम जब इन लोगों को लग रहा है ज्यादा वॉल्यूम और कम वॉल्यूम की वजह से, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम लगने की वजह से आइस को क्या करेगा, ये प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, और टेंशन क्रिएट करेगा, ये फोर्स क्रिएट करेगा, और उस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से क्या होगा, रॉक टू पार्ट्स में टूट जाएगा। और रॉक का टू पार्ट्स में टूटना यानी कि क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, यानी कि रॉक टूट रहा है, रॉक वीकन हो रहा है, रॉक का वेदरिंग हो रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ आइस, ठीक है, बिकॉज आइस को ज्यादा स्पेस चाहिए, आइस को ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम और ज्यादा स्पेस की वजह से वो क्या कर रहा है कि फोर्स प्रेशर डाल रहा है आउटर लेयर ऑफ द इनर लेयर ऑफ द रॉक, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर हमारे जो फिगर है, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर फिगर में देख सकते हो कि कैसे रॉक में जो इमेज है, फ्रीज थॉ वेदरिंग भी बोला जाता है, ये जो फ्रोस्टिंग होता है ऐसे वेदरिंग को हम फ्रीज थॉ वेदरिंग भी बोलते हैं। सो कैसे प्रेशर की वजह से रॉक जो है वो रॉक टूट रहा है, ठीक है, पानी कैसे लिक्विड सॉलिड में बनते ही वो प्रेशर डाल रहा है और उसकी वजह से रॉक टूट रहा है, ठीक है। सो मेरे पास वीडियो भी है आपके लिए, सबसे पहले मैं पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूं, देन मैं आपको वीडियो इसके ऊपर शो करता हूं फ्रीज थॉ वेदरिंग का, ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, हैज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन द वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय द आइस इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर क्वाइट सम टाइम द वॉटर विच एक्यूमुलेटेड इन द क्रैक्स ऑफ द रॉक स्टार्ट फ्रीजिंग। और ये कब होगा, ये कहां होगा, जहां पर टेम्परेचर कम मिलेगा वहीं पर, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज होने के बदले इवापोरेट हो जाएगा, क्या होगा, फ्रीज होने के बदले इवापोरेट हो जाएगा। सो उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं मिलेगा, यानी कि हमारे नदन पार्ट में अगर इंडिया के जाओगे तो वहां पर फ्रीज थॉ वेदरिंग होता है, हिमालय वगैरह ऐसे जगह पर फ्रीज थॉ वेदरिंग होता है, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर काफी कम है। As the water freezes, the volume of water increases. This lead to tension in the rock and rock breaks. जिसकी वजह से क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा रॉक के इनर लेयर में, और रॉक अपने आप को टू पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। सो फ्रोस्टिंग ऑफ रॉक इज ऑल्सो अ मैकेनिकल वेदरिंग। सो फ्रोस्टिंग भी किसके अंदर काउंट हो जाएगा, मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर काउंट हो जाएगा, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है और ना ही रॉक टूट रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो सच प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग, यहां पर फ्रोस्टिंग मैकेनिकल, इसे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फ्रीज थॉ वेदरिंग भी बोलते हैं, क्या बोलोगे, फ्रीज थॉ वेदरिंग। ओके सो लेट्स कंटिन्यू, अब हम जा रहे हैं हमारे तीसरे फैक्टर पे जहां पर हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेदरिंग क्रिस्टल ग्रोथ की वजह से कैसा होता है। नाउ व्हाट इज क्रिस्टल ग्रोथ, क्रिस्टल ग्रोथ इज नथिंग बट कोई भी पर्टिकुलर रॉक के अंदर कोई सॉलिड पार्ट डेवलप होना और उस पर्टिकुलर सॉलिड पार्ट की वजह से रॉक टू पार्ट्स में टूट जाना, वो होगा हमारा क्या, मैकेनिकल वेदरिंग यानी कि क्रिस्टल ग्रोथ।
अब देखते हैं कैसे। इन रॉकी कोस्ट वेव्स हिट द सी क्लिफ। देखिए सी क्लिफ का मतलब क्या होता है, चट्टानी। क्या होता है, चट्टानी। ठीक है, आप लोग अपने बुक्स में आप मार्क कर लो व्हाट इज सी क्लिफ। सी क्लिफ इज नथिंग बट जो बड़े बड़े जो रॉक के जो चट्टान होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं सी क्लिफ। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर क्रिस्टल ग्रोथ होता है ये कहां होता है, ये कोस्टल एरियाज में मोस्टली होते हैं, यानी कि जो नदी के जो किनारे होते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर ही क्रिस्टल ग्रोथ होता है, और क्रिस्टल ग्रोथ की वजह से रॉक टूटता है, विच इज अगेन अ मैकेनिकल वेदरिंग। द वॉटर इज अल्कलीन ड्यू टू विच सम क्रैक्स डेवलप ऑन द रॉक। अब होता क्या है यहाँ पर कि वॉटर का जो नेचर है, वो वॉटर मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉटर क्या है, वॉटर चंचल है। ठीक है, सो वॉटर की वजह से ही, वॉटर जब फ्लो होता है, सो आपने उसके वेव्स को कभी भी देखा होगा, आपने जब मोस्टली आपने बीचेस पे आपने गए होंगे। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि वॉटर जो होता है उसकी जो वेव्स होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, देन वापस से वेव्स उसका वापस पीछे की तरफ मुड़ जाता है। सो वॉटर जो है, ये वॉटर क्या करता है कि रॉकी कोस्ट पे, यानी कि ऐसा कोस्टल एरिया, ऐसे नदी के किनारे जहां पे बड़े बड़े चट्टाने होते हैं रॉक के, उन चट्टानों को रॉक वॉटर क्या करती है, टकराती है और वापस चले जाती है, टकराती है और वापस चले जाती है। ठीक है, सर ये जो वॉटर है, ये वॉटर क्या करेगी, बार बार इन्हें टकराएगी और बार बार क्या करेगी, वापस चले जाएगी। अब जो नदी, जो सी की जो वॉटर होता है, ठीक है, जो सी वॉटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। कैसा होता है, सॉल्टी। सॉल्टी इन द सेंस सैलिनिटी होता है उसके अंदर। ठीक है, और ये जो वॉटर होता है, ये जो सॉल्ट होता है, इन सॉल्ट को अगर मैं साइंस के टर्म में अगर मैं बोलूं, सो हम इनसे क्या बोल सकते हैं, इट्स अल्कलीन। क्या है ये, अल्कलीन, यानी कि वाटर जो होता है उसके अंदर अल्कालीज होता है। अल्कालीज इज नथिंग बट इट्स अ सॉल्ट, सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, सैलिनिटी प्रेजेंट इन द वाटर। सो ये जब पानी जब टकराती है, सो क्या होता है कि जो एक्सफोलिएटेड रॉक है, यानी कि जो रॉकी कोस्ट पे एक्सफोलिएटेड रॉक है, रॉक के अंदर क्रैक्स, फ्रैक्चर्स, ये जो जितने भी रॉक्स हैं इनके अंदर जब सॉल्ट वाटर जाएगा तो क्या होगा, सॉल्ट वाटर जाते ही वाटर और सॉल्ट दोनों के दोनों एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कहां पर, वो टूटे हुए रॉक के अंदर। ठीक है, अब जब वो जो टूटा हुआ रॉक है जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर जा रहा है वो उधर एक्यूमुलेट हो जाएगा उस क्रैक के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है आगे देखते हैं। इन दिस अल्कलीन वाटर द सॉल्युबल मटेरियल इन द रॉक गेट डिसॉल्व एंड हेंस लीड टू स्मॉल होल्स इन द रॉक। अब होगा क्या कि इसके अंदर जो सॉल्युबल मटेरियल है, यानी कि जो सॉल्ट है और जो रॉक के अंदर के जो मिनरल्स है, सो मिनरल्स जो बेसिकली होते हैं वो कुछ मिनरल सॉल्युबल होते हैं और कुछ मिनरल इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल यानी कि क्या, जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ। इनसॉल्युबल मतलब क्या, जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। सो रॉक के अंदर के जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ मिल जाते हैं, पानी के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं, और पानी की वजह से वो जो सॉल्युबल मिनरल्स है जो वाटर में मिले हुए हैं, यहां पर क्या होगा, वो रॉक के अंदर होल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, होल्स क्रिएट हो जाएगा। होल्स क्रिएट होने के बाद ये जो पानी जिसके अंदर सॉल्ट है, जिसके अंदर अल्काली है, ये उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस अल्कलीन वाटर गेट एक्यूमुलेटेड इन द रॉक एंड टर्न इनटू वाटर वेपर्स एंड ड्यू टू सच प्रोसेस सम क्रिस्टल रिमेन्स विच लीड्स टू टेंशन इन द रॉक। अब होगा क्या कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पानी जैसे सी कोस्ट पे जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, सन रेज आएगा डे टाइम पे, हीट ज्यादा होगा, 12 बजे नून के टाइम पे जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा हीट होगा, तो क्या होगा, हायर द टेम्परेचर हायर द इवेपोरेशन रेट, हायर द टेम्परेचर हायर द इवेपोरेशन रेट। यानी क्या होगा कि पानी इवेपोरेट हो जाएगा और पानी के अंदर की अल्कालीज यानी कि सॉल्ट क्या हो जाएगा, उधर का उधर ही रह जाएगा, किसमें, रॉक के क्रैक्स के अंदर। और ये जब सॉल्ट जो बचे हुए जो सॉल्ट है जो बच जाएंगे रॉक के अंदर के, रॉक के अंदर, रॉक के लेयर्स के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ एयर।
ठीक है, और क्या होगा कि जितना भी वाटर है, पानी तो सब इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट रॉक के अंदर रह जाएगा, और वो जो रॉक के अंदर का जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल यानी कि सॉलिड इन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉलिड इन स्टेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, किस पे, रॉक के लेयर्स पे, रॉक के इनर लेयर पे प्रेशर क्रिएट करेगा, और रॉक वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा टू इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब क्या, रॉक का वीकन होना, रॉक का वीकन होना और दो पार्ट में टूटना, यानी कि क्या है, वेदरिंग है। सो ये था हमारा क्रिस्टल ग्रोथ। सो क्रिस्टल ग्रोथ इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग, बिकॉज यहां पर भी कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, ना ही केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, समझा, ठीक है। सो ये था हमारा क्रिस्टल ग्रोथ, होप आप लोगों को ये कंसेप्ट आपको समझा होगा। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो है वॉटर, विच इज आवर लास्ट फैक्टर, ठीक है, जो हमारा मैकेनिकल वेदरिंग के जो फैक्टर्स हैं उनके सबसे जो लास्ट फैक्टर है वो हमारा क्या है, वॉटर। अब पानी के वजह से देखो वेदरिंग कैसे होगा, ड्यू टू हाई रेनफॉल इन सम एरियाज द सोकिंग ऑफ वॉटर ऑल्सो कॉज वेदरिंग, ठीक है। रॉक सच एज सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, ये सारे रॉक के टाइप्स है, सैंडस्टोन ये सारे रॉक्स है, टाइप्स ऑफ रॉक है, जैसे आपने पढ़ा है बहुत सारे, ग्रेनाइट है, इग्नियस है, ठीक है, सो ये भी लाइमस्टोन है, ये भी एक रॉक का टाइप है। दिस रॉक्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द एग्लोमेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। नाउ व्हाट इज एग्लोमरेशन, ठीक है, अब होता क्या है कि जब बारिश होती है बहुत जोर का, तो हिली पे जितने भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं और रॉक के पार्टिकल्स होते हैं उन पे बरसात का फोर्स पड़ता है, वॉटर का फोर्स पड़ने की वजह से सैंड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और एग्लोमेरेशन यानी कि कीचड़ बनकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो क्या करते हैं, हायर एलिवेशन स्लोपी होने की वजह से वो माउंटेन से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि क्या हो रहा है, रॉक टूट रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में हो रहा है, वेटी बन रहा है, और टूटकर ऊपर से माउंटेन से ऊपर के पार्ट से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। मड ऑल्सो make sand particles which comes together when water penetrates such rocks, the particle get loose and separate from the main rock, this is called granular weathering। अब granular weathering भी देखो, granular weathering ये जो water के वजह से जो rock जो weathering हो रहा है उसे हम granular weathering भी बोलते हैं, याद रखो, फ्रोस्ट की वजह से जो वेदरिंग हो रहा है उसे फ्रीज थॉ वेदरिंग बोलते हैं, और वाटर की वजह से जो वेदरिंग हो रहा है उसे हम ग्रैनुलर वेदरिंग बोलते हैं, बिकॉज ये जब सॉइल जब इकट्ठा होते हैं, एग्लोमेशन होता है सॉइल का, सो क्या होगा कि जब इस पे पानी गिरेगा तो पानी की वजह से फोर्स की वजह से ये वापस टूटकर बिखर जाएंगे, ठीक है, और रॉक टुकड़ा टुकड़ा होकर सॉइल बन जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा 5 फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग, कौन से पढ़े, सबसे पहला हमने पढ़ा टेम्परेचर, देन हमने पढ़ा फ्रोस्ट, देन हमने पढ़ा क्रिस्टल ग्रोथ, वाटर, ठीक है, और हमारा एक और है जो कि ये रिलीज इन प्रेशर। नाउ व्हाट इज रिलीज इन प्रेशर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं रिलीज इन प्रेशर क्या है, कि कभी कभी कैसा होता है कि कुछ रॉक के अंदर एयर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू क्रैक्स इन द रॉक और ड्यू टू फ्रैक्चर्स इन द रॉक, रॉक के अंदर एयर ट्रैप हो जाता है, एयर ट्रैप होने के वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे ही वो एक्सप्लोजन हो जाएगा एक सर्टन लिमिट तक होल्ड करेगा, और जैसे ही वो एक्सप्लोड हो जाएगा रॉक क्या हो जाएगा, रॉक फट जाएगा, वापस से रॉक फट गया, रॉक का एक्सप्लोजन हुआ, वेदरिंग हो गया, वीकन हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, विच इज नथिंग बट इट्स अ मैकेनिकल वेदरिंग। तो याद रखो 5 फैक्टर्स, टेम्परेचर, फ्रोस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, वॉटर, रिलीज इन प्रेशर, आई रिपीट, टेम्परेचर, फ्रोस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, वाटर, रिलीज इन प्रेशर, ठीक है। सो याद रखना, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शन से और बायोलॉजिकल वेदरिंग से। सो अब तक के लिए होप आप लोगों को समझा होगा, बुक्स निकालिए, स्टडी कीजिए, ठीक है, जितने भी मटेरियल है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, कंसेप्ट में, रिगार्डिंग द कंसेप्ट इफ यू हैविंग डाउट, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचने की और आपके ईच एंड एवरी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।